एक फिशरवुमन एक आदमी को सुसाइड करने से बचाती है। इसके बाद एक दूसरे के साथ ये अब्सेस्ड हो जाते हैं। आज की हमारी मूवी आइल 2000 की एक थ्रिलर मूवी है। इस मूवी को किम की दुख इन डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है। इसका मतलब है ये मूवी थ्रिलर लव एंड अब्सेशन से भरी हुई है। इस मूवी में जो हम विजुअल्स देखते हैं ये बहुत सालों तक आपको हंट कर सकते हैं। तो इसीलिए इस एक्सप्लेनेशन को मैं जितना ज़्यादा सटल हो सकता है उतना ज़्यादा सटल बनाने की कोशिश करूँगा। इस मूवी की खास बात यह है जब आप इस मूवी को देखते हो तो बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस निकाल सकते हो। किम की दुख इन डायरेक्टर की मूवीज में एक सोशल कमेंट्री भी होती है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस एक्सप्लेनेशन के बाद आप इस मूवी को जरूर देखिएगा। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इससे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारी मेन कैरेक्टर जिसका नाम है हेजिन ये हमसे इंट्रोड्यूस होती है। ये एक लेक को ओन करती है। इस लेक पर बहुत सारे छोटे छोटे घर जैसे फिशिंग बूथ बनाए हुए हैं, जहां पर जाकर लोग छोटी मोटी पर्सनल फिशिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारा और एक मेन कैरेक्टर जिसका नाम है ह्यूनशी ये वहाँ रहने के लिए आता है। किनारे से लेक तक जाने के लिए सिर्फ हेजिन की ही बोट है। वो ह्यूनशी के साथ जाकर उसे उसके घर तक छोड़ देती है। यहाँ और भी लोग रहते हैं तो उन्हें जो भी चाहिए ये सब चीजें उन्हें सप्लाई कर दिया। हेजिन ये अकेली ही रहती है। रात में हम देख सकते हैं कि वो थोड़ा सा तैयार हो रही है। कुछ लोगों को कॉफी चाहिए थी तो उन्हें सप्लाई करने के लिए वो वहां गए। इन लोगों को हेजिन के साथ इंटीमेट होना था तो पैसों के लिए ये करने के लिए भी हेजिन रेडी है। इस लेक पर ये भी काम चलते रहते हैं। ये सब ह्यूनशिक ने नोटिस किया। ह्यूनशिक के हाथ में हमें एक गन दिखाई देती है। इन लोगों में से जिस आदमी को हेजिन के साथ इंटीमेट होना था उसने अपना इंटरेस्ट लूज कर दिया। उसके साथ इंटीमेट नहीं होता पर उसका फ्रेंड कहता है कि वो यहाँ आए तो उसे तुम्हें पे करना चाहिए। पे करते वक्त ये आदमी हेजिन से कहता है, कहता है तुम्हें पैसे देने के लिए रेडी हो पर उससे पहले तुम मुझसे कुछ बात करो। एक्चुअल में हेजिन गूंगी है तो इसका वो मजाक उड़ाता है। हेजिन को गुस्सा आ जाता है तो बिना पैसे लेकर ही वहां से जा रही थी, पर ये आदमी उसके मुंह पर ये पैसे मार कर फेंकता है। ये पैसे पानी में गिर गए। हेजिन बेचारी इस पैसों को उठा लेती है। उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो गई, इस चीज को जाने नहीं दे सकती। रात में गुस्सा होकर इस बारे में वो बहुत सोचती है। जिस आदमी ने उसका मजाक लिया था वो लेक के बूथ के बाहर ही खड़ा हुआ था। वो फिर स्विम करते करते उसके पास गए, नीचे से हाथ डालकर उसका पैर उसने खींच लिया। वो उसे पानी में डुबाने वाली थी पर वो चिल्लाने लग गया। उसके फ्रेंड फिर जग गए और उन्होंने उसे बचा लिया। इन्हें किसी को भी पता नहीं कि ये हुआ क्या। हेजिन उन्हें दिखी ही नहीं तो उस पर वो शक नहीं कर सकते। रात में फिर वो ह्यूनशिक को देखने के लिए आती है। वो सो रहा था पर उसे वो स्टेयर कर रही थी। वो उसमें इंटरेस्टेड हो चुकी है। अगले दिन जब वो लेक में घूम रही थी तो वो नोटिस करती है ह्यूनशिक बहुत रो रहा था। एक बहुत ही डिस्टर्बिंग सीन से हमें पता चलता है ह्यूनशिक की वाइफ उस पर चीट कर रही थी। तो ह्यूनशिक ने अपनी वाइफ और उसके लवर को इन दोनों को मार डाला। पुलिस से छुपता हुआ इस लेक पर वो रह रहा है, इसलिए लास्ट सीन में वो रो रहा था। हेजिन भी अकेली है तो ह्यूनशिक का दर्द उसे महसूस होता है। ह्यूनशिक रात में बहुत सोच रहा था। उसके पास जो गन थी उसने मुंह में डाली। वो अपने आप को मार ही डालने वाला था तभी हेजिन नीचे से उसे पोक करती है। उसकी थाई थोड़ी सी हर्ट हो गई पर अपनी जान लेने से वो बच गया। वो नोटिस करता है कि उसे बचाने वाली हेजिन ही थी। इसके बाद हम देखते हैं ह्यूनशिक अब सुसाइड नहीं करने वाला। उसकी बोट में एक वायर है जिससे वो कुछ बनाने लगता है। इस वायर से जो अलग अलग चीजें वो बना सकता है ये उसे अच्छा लगता है। इसे अब उसने एक फिश बनाया हुआ है। इस फिश को वो फिशिंग रॉड से लगाता है और पानी में डाल देता है। घूमते घूमते हेजिन जब वहां से गुजरती है तो उसे लगता है कि शायद ह्यूनशिक को फिशिंग करनी थी, पर उसने अपने रॉड को कोई भी बेट नहीं लगाई हुई है। वो फिर बेट लगाकर वहां से चली जाती है। जब सचमुच में फिश पकड़ा जाता है तो ह्यूनशिक इस फिश को छोड़ देता है क्योंकि अब उसे किसी को भी हर्ट नहीं करना। इसके बाद और एक ब्यूटीफुल सी स्विंग बनाते हुए हम उसे देख सकते हैं। हेजिन ने ह्यूनशिक का बर्ड देखा हुआ था, उसे वो फीड करने के लिए आई। ह्यूनशिक ने फिर जो स्विंग बनाई हुई थी ये उसे गिफ्ट की। ये उसकी जान बचाने के लिए उसका एक गिफ्ट हम मान सकते हैं। हेजिन को बहुत ही अच्छा लगा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हेजिन अपने किनारे से ह्यूनशिक पर अपने मिरर का रिफ्लेक्शन डालती है। वो उसे फ्लर्ट कर रही थी। थोड़ी देर में यहाँ कुछ सेक्स वर्कर आती है।
जो लोग फिशिंग के लिए आते हैं वो अपने नीड्स कंप्लीट करने के लिए ये भी कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी चेक करने नहीं आने वाला। यूशिक ने यह सब नोटिस किया था। एक दिन बहुत ही ज़्यादा बारिश आ रही थी। इस बारिश में हिजिन सैड होकर अकेले ही ड्रिंक कर रही थी। वो फिर ह्यूनशिक के पास गए और फिर ये दोनों ड्रिंक करते हैं। ड्रंक होकर ये एक दूसरे के करीब आ गए थे। ह्यूनशिक ने हिजिन के साथ इंटीमेट होने की कोशिश की पर हिजिन ने उसे रोक दिया। उसने उसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो हिजिन ने उसे पानी में गिरा दिया। हिजिन के जाने के बाद ह्यूनशिक को बहुत ही अकेला महसूस हो रहा था तो उसने एक सेक्स वर्कर को बुला लिया। इस सेक्स वर्कर कंप्लेंट करती है इस टाइम में इसे क्यों इंटीमेट होना है। वो बहुत ही उस पर नाराज थे। वो कपड़े उतारने लग जाती है पर ह्यूनशिक कहता है कपड़े मत उतारो, उसे सिर्फ उससे बात करनी थी। ये फिर चाय पीते हैं, थोड़ी सी बातें करते हैं। थोड़ी देर में इस सेक्स वर्कर को जाना था। अगर कहीं भी जाना है तो हिजिन की बोट मंगवानी पड़ती है। हिजिन उस पर जेलस हो गई है तो उसे लेने के लिए वो नहीं जा रही। ये सेक्स वर्कर ह्यूजिन से कहती है कि अब तुम्हें डबल पे करना पड़ेगा। इसके बाद इन दोनों ने बहुत सारी बातें की। ह्यूनशिक अब अपनी वायर से बाइसिकल बना रहा था। इस वर्कर को पसंद आए तो अपने लिए वो मांग लेती है। बातों बातों में ह्यूनशिक उसे कहता है तुम गालियां मत दिया करो, वो तुम्हें सूट नहीं करता। इसके बाद एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने वाले थे तभी इस सेक्स वर्कर का मैनेजर वहां पहुंच गया। बहुत टाइम से सेक्स वर्कर बाहर गई हुई थी और वापस नहीं आई। उसे लगा ये ह्यूनशिक उसे जबरदस्ती कर रहा होगा। वो फिर इस वर्कर को मार मार कर घर ले जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लेक पर एक आदमी आया हुआ है। वो हिजिन से कहता है कि आप बहुत सारे दिन में रहने वाला हो तो एक दूसरे को हम जान लेते हैं। इसका मतलब है वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है। रात में इन दोनों को इंटीमेट होता हुआ हम देख सकते हैं। हमने प्रीवियस में देखा है कि सेक्स वर्कर और ह्यूनशिक इन दोनों में अच्छी सी बॉन्डिंग हो गई थी। अगले दिन ह्यूनशिक से मिलने वो फिर से आती है। हिजिन जब उसे छोड़ती है तो उसे गुस्से की नज़रों से देख रही होती है। वो बहुत ही ज़्यादा जेलस हो चुकी है। जब ह्यूनशिक और वो वर्कर रात में इंटीमेट हो रहे थे तो हिजिन उन्हें देखने के लिए आती है। उनके बूथ के होल से वो उन्हें देख रही थी। ये देखकर ह्यूनशिक थोड़ा सा डर जाता है। नेक्स्ट दिन जब ये वर्कर जा रही थी तो ह्यूनशिक उसे पैसे देता है। ये उस पर नाराज़ हो जाती है। कहती है मुझे तुम अच्छे लगते हो, तुम्हारी कंपनी मुझे चाहिए थी इसीलिए मैं आई थी, मैं यहाँ काम के लिए नहीं आई थी। हिजिन ने फिर इस सेक्स वर्कर को किनारे पर छोड़ा जो उसे पैसे दे रही थी, पर हिजिन ने यही पैसे उसके मुंह पर मारकर फेंके। फिर वो गुस्से गुस्से में ह्यूनशिक के पास पहुंची। उसने उसे जोर से किस किया और उसके लिप का बाइट लिया। ह्यूनशिक के लिप से खून आने लग गया। हिजिन को बहुत ही हर्ट महसूस हो रहा था तो वहां से वो चली गई। घर आने के बाद खिड़की से वो एक अबैंडन मोटरसाइकिल देखती है। इसका मतलब है हिजिन ने भी किसी को खोया है। मूवी में हमने देखा है कि वो अकेली है। इस अबैंडन मोटरसाइकिल का मतलब वो किसी से प्यार करती थी और उसकी अब डेथ हो चुकी है। वो अकेली थी और उसे अब ह्यूनशिक पसंद आया है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में पुलिस इस लेक को पेट्रोल करने के लिए आए हुए हैं। उनके पास कुछ सस्पेक्ट्स की फोटोज है और वो यहाँ शायद छुपे हो सकते हैं, इसलिए चेक करने के लिए वो आए हुए थे। प्रीवियस में हमने देखा कि जो आदमी हिजिन से कहता है कि अब मैं यहाँ बहुत दिनों तक रहने वाला हूँ, ये भी एक सस्पेक्ट है। उसने जब पुलिस को देखा तो उन्हें हर्ट कर उसने वहां से भागने की कोशिश की, पर वो इस कोशिश में मारा गया। ये सब ह्यूनशिक देख रहा था। जैसे कि हमें पता है कि वो भी पुलिस से भागने की कोशिश कर रहा है। वो ऑलरेडी खुदकुशी करने वाला था, अब पुलिस वहाँ है तो उसके पास और एक रीजन है। वो फिश के हुक्स लेकर उन्हें निगलने की कोशिश करता है। इसमें वो बहुत ज्यादा हर्ट हो चुका है। हिजिन को लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है तो उसे देखने के लिए वो आई। पुलिस ह्यूनशिक को पकड़ सकते हैं तो डायरेक्टली उसने उसे पानी में डाल दिया। वहां बहुत सारा ब्लड पड़ा था तो उसे उसने वाइप कर दिया। पुलिस जब भूत तक आए तो उन्हें लगा कि हिजिन सिर्फ यहाँ साफ सफाई कर रही है, यहाँ कोई भी नहीं रहता। पुलिस जब वहां से चले गए तो ह्यूनशिक को उसने पानी से बाहर निकाला। वो पूरी तरीके से खून से लथपथ था। हिजिन ने उसकी टंग से सब हुक्स निकालने में उसकी मदद की। वो अभी भी बहुत सारे पेन में है तो हिजिन उसके साथ इंटीमेट होकर उसका पेन कम करने की कोशिश करती है। इसके बाद ह्यूनशिक पूरी तरीके से ठीक हो जाए इसके लिए उसे हर चीज में मदद करती है, यहाँ तक कि हिजिन उसे एक डेट पर भी लेकर जाती है। अब कुछ दिनों बाद सेक्स वर्कर फिर से ह्यूनशिक से मिलने के लिए आई। हिजिन और ह्यूनशिक के बीच में सब कुछ सही चल रहा था तो नहीं चाहती थी कुछ भी गड़बड़ हो जाए। वो इस सेक्स वर्कर को एक भूत के पास लेकर गई। वहां पर उसने हाथ पैर उसके बांध दिए और बंदी बनाकर रखा। रात में हिजिन को अकेला लगता है तो ह्यूनशिक के साथ आकर सोती है। ये सेक्स वर्कर जो बंद कर पड़ी हुई है ये बाहर निकलने की कोशिश करती है। स्ट्रगल करते हुए ही वो पानी में गिर जाती है।
उसके हाथ बंधे हुए थे तो तैर नहीं सकती, डूबकर उसकी डेथ हो जाती है। सुबह हिजी ने नोटिस करती है, बॉडी को वेट बांध कर नीचे पानी में डाल देती है। ये वर्कर स्कूटर पर आई थी तो हिजिन उसका भी ठिकाना लगा देती है। अब बहुत ही टाइम हो चुका पर फिर भी ये वर्कर घर नहीं आई। उसका मैनेजर बहुत ही गुस्सा हो चुका है और उसे लगता है यूनशिक ने अब फिर से उसे बंदी बना लिया है। यूनशिक के पास पहुंचा और उसे मारने लग गया था। इनकी फाइट में यूनशिक ने इस मैनेजर को पानी में डाल दिया। ये स्विम नहीं कर सकता था तो पानी में ही उसकी डेथ हो गई। ये सब हिजिन ने देखा और इस बॉडी को ठिकाना लगाने में उसकी उसने हेल्प की। हिजिन हमेशा ह्यूनशिक के साथ रहती है तो उसे अब वो अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है कि हिजिन ने उसे प्रिजनर बना लिया है। एक दिन वो बहुत ही डिस्टर्ब हो चुका था। हिजिन ने उसे सहारा देने की कोशिश की पर उसने उसे झटक दिया। उसे कहता है मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ जो हमेशा तुम मेरे साथ रहती हो। ह्यूनशिक इस लेक से बाहर जाना चाहता था पर हिजिन अपनी बोट लेकर किनारे पर आ गई। रात में फिर ह्यूनशिक यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। उसके पास एक वाटर टैंक था, इसे पकड़कर फ्लोट होता होता वो किनारे तक आ सकता था। ये वो करता है पर हिजिन इसे नोटिस कर लेती है, उसे पकड़कर फिर से उसके बूथ तक लेकर जाती है। अब हिजिन ह्यूनशिक के साथ थी तो उस पर वो बहुत ही गुस्सा हो गया, उसे मारने लग गया। मारते मारते फ्रस्ट्रेशन से उसके साथ वो इंटीमेट होने लग जाता है। सुबह होने पर हिजिन सोई हुई थी, ह्यूनशिक ने मौका देखा और उसकी बोट लेकर जा रहा था। बोट की आवाज से वो जग गए। वो ह्यूनशिक के बिना नहीं रह सकते। उसने फिश के हुक्स लिए और खुद को एम्पुटेट करने की कोशिश की। एक सुसाइड अटेम्प्ट था। डायरेक्टली उसकी चीखें ह्यूनशिक को सुनाई दी। वो वापस आ गया, उसने हिजिन को मरने से बचा लिया। जिस तरीके से हिजिन ने ह्यूनशिक को बचाया था, ह्यूनशिक भी उसे बचा लेता है। वो उसका अच्छे से ख्याल रखता है। उसने अब रियलाइज कर लिया है हिजिन उसे बहुत प्यार करती है। जिस तरीके से कोई भी कपल अपने लिए एक अच्छा सा हाउस बाय करते हैं, उसी तरीके से ये दोनों अपना बूथ पेंट कर रहे हैं, ये हम देख सकते हैं। इस लेक पर एक दिन एक आदमी फिशिंग कर रहा था। फिशिंग करते करते उसकी एक वैल्यूएबल चीज पानी में गिर गए। उसने फिर लोकल डाइविंग टीम को कॉल लगाया और उन्हें वो ढूंढने के लिए कहा। इन्हें उसकी चीज तो नहीं मिली पर सेक्स वर्कर की स्कूटर मिल गई। हिजिन को बहुत ही डर लगता है। पुलिस ये फिगर आउट कर सकते हैं कि सेक्स वर्कर को हिजिन ने मारा था। हिजिन जब ये देखती है तो एक आइडिया लगाती है, अपनी बोट का मशीन निकाल कर अपने इस बूथ को लगा देती है। ये फिर इसी घर को फ्लोट कराते हुए लेक से होकर नदी में जाकर अलग जगह पर बस जाते हैं। हिजिन सब लोगों से दूर ह्यूनशिक के साथ अपनी एक नई दुनिया बसाती है। यही ये मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी में हमारे दोनों कैरेक्टर एक दूसरे से ऑब्सेस्ड हो चुके थे। इनकी रिलेशनशिप बहुत ही टॉक्सिक थी। इस मूवी के डायरेक्टर किम की दुख है तो इसमें बहुत सारे बिजार सीन्स है जिसे आप अलग अलग इंटरप्रिटेशन इस मूवी के लगा सकते हो। मैंने इस मूवी को स्टोरी स्टैंड पॉइंट से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाने में मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।